तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके अंदर हमें एक टॉपिक है हमारा कि कंपनी की क्या प्राइस रखी जाए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस का ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो इस टॉपिक के अंदर, ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन आती है, और हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऐसी सेलिंग प्राइस रखी जाए जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो सेलिंग प्राइस अल्टीमेटली क्या होगी। तो पहले तो हम एक रिलेशनशिप समझते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या होता है। तो उसके लिए एक प्राइस इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए जो कि हमें ये बताएगी कि आपका प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। तो दैट सेज दैट आपकी जो प्राइस होती है दैट इज ए प्लस बी क्यू। अब इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है ए, दिस इज अ फिक्स्ड एलिमेंट, अ फिक्स्ड वैल्यू, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक आ जाता है द लेवल ऑफ प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो। यानी कि एक ऐसा प्राइस लेवल अगर हम रख दें तो डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा। जब नॉर्मली जो हम ये रिलेशनशिप यहाँ पे लिख रहे हैं पी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू, ये रिलेशनशिप जो है पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू होता है। अभी हमने जो ना वो प्लस में लिखा हुआ है, बट नॉर्मली जब हम सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो ये रिलेशनशिप जो होता है ये हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ए माइनस बी क्यू। माइनस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इक्वेशन माइनस में चली जाती है। अब यहाँ पर अल्टीमेटली पहले तो हमें देखना है कि हमें ए फाइंड आउट करना है। अगर हमें पी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी क्या होता है? बी हमें ये बताता है कि बी इज लाइक चेंज। बी हमें ये बताता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल में क्या फर्क पड़ेगा। तो बी कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है, तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी। ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोवाइड किया जाएगा, इससे हम बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, और क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया क्वांटिटी। तो अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी पता हो, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट, 200 यूनिट, और ए और बी की वैल्यू पता हो, तो हम किसी भी लेवल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी प्राइस अल्टीमेटली क्या होगी। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट, एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स हम आइडेंटिफाई करें जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल रेवेन्यू हम कहते हैं एम आर इज द एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट्स। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जितना ज़्यादा अगर आपको चीज़ें भेजनी है, बेचनी है, तो आपको अगर चीज़ें बेचनी है तो आपको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। सो लेट्स हैव अ लुक के प्राइस
रेवेन्यू क्वांटिटी और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है। सो एक कॉलम बन गया क्वांटिटी का, दूसरा आ गया प्राइस का, तीसरा रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। इसे पता लग जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पांच क्वांटिटीज हैं और प्राइस है 70। अब देखो अगर हमें दो यूनिट बेचने ना तो प्राइस रिड्यूस करेंगे तो यूनिट ज़्यादा बिकेंगे, तो दैट इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। और फिर अगर हमें ज़्यादा यूनिट बेचने तो और प्राइस रिड्यूस करी हमने, और ज़्यादा यूनिट बेचने तो और प्राइस रिड्यूस कर दी, और ज़्यादा यूनिट बेचने तो और प्राइस रिड्यूस कर दी। सो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप नॉर्मली होता है। कुछ केसेस में कंपनीज प्राइस फिक्स भी रखती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस को आपको कम करना पड़ता है। सो अगर हमें रेवेन्यू फाइंड आउट करना है तो रेवेन्यू क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सो रेवेन्यू कितना हो गया 70, रेवेन्यू हो गया 120, रेवेन्यू हो गया 150, रेवेन्यू हो गया 160 और रेवेन्यू हो गया 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एडिशनल यूनिट बेचने से मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर तो रेवेन्यू उतना ही होगा, लेकिन पहले यूनिट और दूसरे यूनिट को कंपेयर करें कि जब मैं फर्स्ट यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रहा हूँ तो एडिशनल रेवेन्यू कितना अचीव हो रहा है। एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है 50 का। फिर मैं अगर दूसरे से तीसरे यूनिट पे जाता हूँ तो एडिशनल रेवेन्यू होता है 30। फिर तीसरे से चौथे पे जाता हूँ तो एडिशनल रेवेन्यू होता है 10। और फिर और ज़्यादा जाता हूँ तो एडिशनल रेवेन्यू नेगेटिव चला जाता है। इसका मतलब भी हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक यूनिट्स बेचती रहेगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो। जहां मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फर्दर सेल नहीं करती। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। नाउ एज फार एज दी एमसी और मार्जिनल कॉस्ट इज कंसर्न, ये क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सो दैट मीन्स दिस इज द सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट दी भी हो तो यू कैन टेक मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द सेम। सो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, यानी कि हम कितने यूनिट्स बेचें जिसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो हमें एम आर और एम सी का रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एम आर, एम आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो एम आर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्राइस इक्वेशन। प्राइस इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस बी क्यू। अच्छा, इस प्राइस इक्वेशन को अगर मुझे एम आर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, बाय डबलिंग दी वैल्यू। तो ये बन जाएगा ए माइनस टू बी क्यू। अच्छा जी, सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे अगर एम आर भी फाइंड आउट करना है डायरेक्टली तो हमारे पास जो वैल्यूज होनी चाहिए वो ए होना चाहिए, हमारे पास बी होना चाहिए विच इज अ स्लोप, और ए होना चाहिए विच इज अ फिक्स वैल्यू। तब जाकर हम एम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम एम आर को एम सी के इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, और वहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, लेवल ऑफ आउटपुट। सो इफ फॉर एग्जाम्पल एम आर इज ए माइनस टू बी क्यू इज इक्वल टू एम सी और एम सी इज $10। सो ये जो क्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ये होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि इस लेवल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर, इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो प्राइस रखी जाएगी वो प्राइस क्या होगी, वो बेस्ट प्राइस होगी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दे। सो क्यू आइडेंटिफाई करने के बाद इस क्यू से जो वैल्यू जनरेट होगी वो हम डाल देंगे इक्वेशन में। ए हमारे पास फिक्स होगा, सही है, बी हमारे पास फिक्स होगा, ये क्यू यहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू आता है 1000 units का, अगर 1000 units ऑप्टिमम है तो 1000 units के ऊपर जो प्राइस आएगी वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 units के ऊपर प्राइस निकाली तो प्राइस आ रही है
250. तो ये 250 क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द प्राइस इक्वेशन, दैट इज पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। और इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए नॉर्मली गिवन होता है, बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी ही चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये भी गिवन होगा। प्राइस इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हम एम आर फंक्शन बनाएंगे। एम आर फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। जब हमारे पास पी होगा तो एम आर फंक्शन ईजिली बन जाएगा, फिर उसको इक्वेट करेंगे थर्ड स्टेप में, एम आर इज इक्वल टू एम सी। फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे, लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज क्यू। और उसके बाद सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस होगी। नाउ लेट्स पुट दिस इनटू अ क्वेश्चन एग्जांपल, एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अल्टीमेटली क्या हो सकता है। Now let's solve the example. For example, at price $200, units can be sold 1000. And if selling price increases to 220, यानी कि 20 से अगर सेलिंग प्राइस बढ़ती है, the demand would fall to 950. ये रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हमें पता है, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है 220 तक जाती है, 200 से 220 तक जाती है, तो डिमांड जो है वो 1000 से 950 आ जाएगी। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होती है तो सेम, तो डिमांड जो है वो 50 यूनिट से बढ़ जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटीज। वेरिएबल कॉस्ट जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 140 पर यूनिट, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट बनाने की इसकी है 36,000 यूनिट्स। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डेटा से हम वन बाय वन चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी क्यू। अब इस प्राइस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक वैल्यूज चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइस दी हुई है 200, ए हमें नहीं पता, बी हमें फाइंड आउट करना है, क्यू है हमारे पास 1000 यूनिट्स। ये रिलेशनशिप आ गया कि अगर आप 200 की प्राइस रखते हैं तो अल्टीमेटली आपके 1000 यूनिट्स बिकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने बी फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो बी क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन पी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन क्यू। तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 200 से 220 होती है तो 20 का चेंज आया, तो डिमांड 1000 से 950 हो जाती है, 50 का चेंज आया। इसके ऊपर अगर मैं एक फिगर कैलकुलेट करने जाऊं तो वो फिगर हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास 0.4 का आंसर आएगा। तो ये आपका बी हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो हमारे पास ए आ जाएगा। ये ए निकालने का एक तरीका है कि 200 हमारी प्राइस है, ए हमें फाइंड आउट करना है, बी इज 0.4 और क्यू हमारे पास है 1000। सो 200 इज इक्वल टू ए माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 400 बन गया। अच्छा जी, तो ये वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज 600। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट इज ए। ए क्या होता है, ए इज द सेलिंग प्राइस
एट विच डिमांड इज निल, यानी कि ये मैक्स, ये उस लेवल की सेलिंग प्राइस है जहां पर नो वन इज रेडी टू बाय, यानी कि आपकी एक यूनिट भी नहीं बिकेगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेलिंग प्राइस 600 से कम होगी तो यूनिट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 600 से 20 से रिड्यूस करता हूँ, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं 580 यूनिट्स रखता हूँ, तो बी का जो रिलेशनशिप है वो ये कहता है कि हमारे 50 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं सेलिंग प्राइस 580 रखता हूँ तो 50 यूनिट्स बिकेंगे, और अगर मैं 580 में फर्दर 20 का रिडक्शन करता हूँ, सेलिंग प्राइस जो है वो 560 कर देता हूँ, तो यूनिट्स, क्योंकि सबका 50 का लेवल है, 20 से प्राइस गिरेगी तो 50 से यूनिट्स बढ़ेंगे, तो इस तरह से वर्कआउट होता चला जाएगा। तो हमने जो है वो प्राइस इक्वेशन डेवलप कर ली, यहाँ से ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। सेकेंड टास्क इज कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी 2BQ, तो हमारे पास ए आ गया, ए 600 है, 2.4Q, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास आ गया 600 माइनस 0.8Q, ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है। अब उसके बाद हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो सवाल में गिवन। उसके बाद इनको कंबाइन करते हैं, इक्वेट करते हैं, MR इज इक्वल टू MC, तो MR फंक्शन हमारे पास है 600 माइनस 0.8C और MC की वैल्यू है 140, तो 0.8Q। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा MR इज इक्वल टू MC को, सो दैट वुड गिव मी आंसर ऑफ, सॉल्व कर लेते हैं अगर इसको, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 575 यूनिट्स। नाउ ये क्या है 575 यूनिट्स, क्योंकि हमने MR और MC के लेवल पे जाके ये यूनिट्स निकाले, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। क्या मतलब, यानी कि ये कह रहा है कि इतने यूनिट्स बेचोगे तो उसके ऊपर जो सेलिंग प्राइस आएगी, उस सेलिंग प्राइस से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, यूनिट्स तो आ गए, हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, सो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, अब ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस की जहां तक हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम पी फंक्शन दोबारा स्टार्ट करते हैं, इट इज ए माइनस बी क्यू। अब हमें पी फाइंड आउट करना है किस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, 575। सो ए फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से 0.4, और क्यू हमारे पास आ गया ये मैं 575। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ डालूंगा तो उससे जो प्राइस कैलकुलेट होगी वो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस होगी, और वो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस सेज दैट जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 370। तो दिस इज ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर, इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा प्रॉफिट किसी और प्राइस के ऊपर नहीं आ सकता। अगर एग्जाम में कहा जाए कि जी टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो टोटल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए और प्राइस होनी चाहिए। प्राइस है हमारे पास 370, क्वांटिटी है हमारे पास 575। तो हमारा जो रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 212750, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है 575 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बनेगी 140 के हिसाब से, और उसके बाद हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर सवाल के अंदर देखी थी कि फिक्स कॉस्ट हमारी जो है वो 36,000 है। सो लेट मी कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या बनेगी। सो
So now we can say that 575 मल्टीप्लाई बाय 140, सो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 80500 और हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है 336,000, एंड हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 212750 माइनस 80500 माइनस 36,000, सो दिस इज 96250, सो दिस इज टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट है, और ये आउटपुट लेवल भी हमें पता है क्यों क्या था, और हमें ये भी पता है कि ये किस लेवल ऑफ इसके ऊपर। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जिस तरह से हमने ए निकाला, ठीक है, तो ए निकालने के लिए हमारे पास प्राइस और यूनिट्स का एक रिलेशनशिप गिवन था, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो रिलेशनशिप मिसिंग होता है, तो ए निकालने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो लेट्स सी कि अगर ए निकालना जाए ना दिया हुआ हो तो ए कैसे निकालेगा ऑल्टरनेटिवली पिछले वाले मेथड के अलावा। सो लेट्स अनदर एग्जांपल। सो हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो है एक कंपनी की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एम, और उसकी मैक्सिमम डिमांड है 100,000 यूनिट्स पर एनम, यानी कि कंपनी इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती। तो अंडरस्टूड बात है कि ये जो डिमांड होगी वो लोवेस्ट प्राइस के ऊपर होगी, सबसे कम, और सबसे कम प्राइस क्या होती है, सबसे कम प्राइस होती है ज़ीरो, कि ज़ीरो प्राइस रखी जाए तो इतनी डिमांड होगी, ठीक है। अच्छा, इफ प्राइस इंक्रीजेस बाय $1 डिमांड वुड बी रिड्यूस्ड बाय 40 यूनिट्स। ये डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप इससे भी निकल आएगा। अच्छा, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट 42,000 यूनिट्स पर एनम। तो पिछली एग्जांपल के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जो हमने खुद निकाला था, इस एग्जांपल के अंदर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट दिया हुआ है। इसका मतलब है MR इज इक्वल टू MC का आंसर दिया हुआ। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस। तो जब MR इज इक्वल टू MC दिया हुआ है तो Q हमारे पास वहां से आ गया 42,000, लेकिन Q पुट किस में करें, प्राइस इक्वेशन तो है नहीं। सो प्राइस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, P इज इक्वल टू A माइनस BQ। अच्छा, बी आ जाएगा हमारे पास, बी कैसे आता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू करते हैं तो प्राइस में $1 का इंक्रीज आता है, क्वांटिटी में 40 यूनिट्स का फॉल होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा जो बी बनेगा जो रिलेशनशिप के अंदर वो बन जाएगा 0.025। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास ए अवेलेबल नहीं, सो हाउ टू फाइंड आउट ए। हमें प्राइस और डिमांड का कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिया हुआ सवाल में, वरना मैं पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू करके वहां से कैलकुलेट कर सकता था। सो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है। सो मैक्सिमम डिमांड हमें जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो है 1,00,000 यूनिट्स। ये किस प्राइस लेवल के ऊपर होगी, जब प्राइस लेवल जीरो का आ जाएगा। अब मुझे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप पता है कि प्राइस अगर हम $1 से अप करते हैं तो डिमांड जो है 40 यूनिट से कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राइस लेवल जीरो से बढ़ाकर $1 रख दूँ तो मेरी डिमांड जो होगी वो मैक्सिमम नहीं रहेगी, डिमांड रिड्यूस होकर आ जाएगी 100,000 माइनस 40, दैट इज 960,000। अब इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर प्राइस जीरो रखी जाए तो ए माइनस 100,000 यूनिट्स होंगे 100,000 बी, लेकिन अगर प्राइस वन रखी जाए तो ए माइनस 96,000
96,000 बी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, बी हमारे पास ऑलरेडी है, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए का आंसर आएगा 2500 यूनिट्स, यानी कि ये एक लेवल ऑफ प्राइस होगी जिसके ऊपर आपकी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस एक ही निकल आएगी। इन दिस वे एक तरीका निकाला जा सकता है। नाउ वी कैन डेवलप प्राइस इक्वेशन, प्राइस इज इवन ए माइनस बी क्यूब, सो प्राइस फाइंड आउट करनी है, ए रख दिया हमने 2500, बी हमारे पास 0.025 है और बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ये हमें सवाल में दिया हुआ था 42,000 यूनिट्स, तो इसकी जगह हमने 42,000 यूनिट्स रखे और इसका आंसर जब मैं निकालने जाऊँगा तो अल्टीमेटली I would get the value of 1450. तो अगर ये price का level रखा जाए तो profit maximize हो जाए, यानी कि ज़्यादा profit रखने, ज़्यादा price रखने से या कम price रखने से profit maximize नहीं होता, एक reasonable level of price होनी चाहिए जिसके ऊपर profit जो होगा वो maximize हो जाता है। Now let's practice one or more questions ताकि थोड़ी सी आपकी इसके ऊपर ग्रिप आ जाए और फिर हम इसको कैलकुलेट करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कैलकुलेट। सो बुक के अंदर एक OT क्वेश्चन 3 की एग्जाम्पल है, वो सॉल्व कर लेते हैं। At a price of 700 dollar, demand is zero. For every reduction in selling price by $40, demand would increase by 100 units. Data properly read करना जरूरी है क्योंकि कभी ये दे दिया जाता है, कभी ये नहीं दिया जाता है, कभी इसी तरह से दिया जाता है। Variable cost of manufacturing an item is equal to $60. Find out the profit maximizing level of output. Selling price नहीं पूछी, profit maximizing level of output पूछा, यानी कि क्यों पूछा हुआ? और हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट किस लेवल पे आता है, व्हेन वी इक्वेट दिस MR इज इक्वल टू MC। अब इसके अकॉर्डिंगली पहले तो मुझे MR चाहिए, तो MR के लिए आई नो दैट कि मुझे प्राइस इक्वेशन चाहिए, तो वो क्या होती है, A माइनस BQ। पहले मैं इसका A और B फाइंड आउट कर लूं और उसके बाद फिर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूंगा। तो हमारे पास बी भी मौजूद है और ए भी मौजूद है। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है एट अ प्राइस ऑफ 700, डिमांड एट जीरो, तो ए हमारे पास 700 आ गया। बी कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिमांड, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये हमारे पास आ गया बी निकालने के लिए। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो है वो बी क्या है, तो इससे आंसर आया बी का कि बी इज 0.4। अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, प्राइस इक्वेशन बनी
700 माइनस 0.4 क्यू, एम आर बनाना है, एम आर फंक्शन क्या बनेगा 700 माइनस 2BQ, तो 2BQ मतलब 0.8Q हो गया। अब इसको लिंक कर देते हैं, एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो 700 माइनस 0.8Q इज इक्वल टू 60। और इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर अगर मैं Q फाइंड आउट करने जाऊंगा तो Q आएगा 800 यूनिट। इसका मतलब है 800 यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और अगर इस 800 यूनिट्स को इक्वेशन में डाल के P निकाला जाएगा तो वो P कितना आएगा, वो आएगा ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। लेट्स सी ओटी क्वेश्चन नंबर 4। The quantity demanded at a price of $100 will be 1000 units. If price increase by 50, demand decrease by 100 units, ये B का relationship है, ये हमेशा given होगा। अच्छा जी, marginal cost given है 35, requirement है calculate the selling price at which प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस तो नहीं निकाल सकते, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले हमें ऑप्टिमम क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है क्यू, और उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। जहाँ कहा जाए कि जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस या आउटपुट निकालना है, फाइंड आउट एम आर इज इक्वल टू एम सी। सो एम आर इज इक्वल टू एम सी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइस इक्वेशन डेवलप करनी है, स्टेप नंबर 1। अब इस प्राइस इक्वेशन के अंदर यू नो दैट ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली क्यूडी एट क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 100 विल बी 1000 यूनिट। तो प्राइस अगर 100 रखी जाए तो उसके ऊपर क्वांटिटी कितनी है 1000 यूनिट्स। अच्छा, चेंज अगर मिल जाए बी तो ए निकल आएगा। बी क्या है, प्राइस अगर इंक्रीज होती है बाय 50 तो डिमांड डिक्रीज होती है बाय 100, बी आ गया 0.5। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमारे पास जो डेटा है, प्राइस इज इक्वल टू दैट इज 100 इज इक्वल टू ए माइनस 0.5 इंटू 1000। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 100 इज इक्वल टू ए माइनस 500 एंड ए इज इक्वल टू 600। So A is the level of price at which demand is zero. Now put in this figure, MR is equal to MC. So price equation ho gayi hamare paas 600 minus 0.5x. Agar hamare paas x aa jaye to hum P nikal sakte hain. Now MR function create karenge. MR function hota hai A minus 2BX, 2BQ. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, x हो गया, 1 हो गया, 1 लिख दें। अच्छा, MC कितना है हमारे पास, MC इज इक्वल टू MR करने के लिए MC हमारे पास 35 है। सो MR इज इक्वल टू MC, x इज इक्वल टू 35, सो x कितना होगा, x हो जाएगा 565। ये यूनिट्स आ गए, ये डॉलर वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स वैल्यू है। अब इस यूनिट्स को उठा के पी इक्वेशन में पुट कर दें तो 600 ए 0.5 बी और क्यू आ गया 565। सो इस लेवल के ऊपर जो पी आएगा वो प्राइस ऑप्टिमम होगी एंड दैट वुड बी 317.50।